व्यूज ना आने का रोना तो हर कोई रो रहा है, लेकिन आप क्या गलती कर रहे हैं उस गलती के बारे में भी सोचें, उसे सुधारने की कोशिश करें, उसके बाद ही आपके व्यूज आएंगे। तो 100 में से 80% लोग जो गलती कर रहे हैं वो वीडियो ही गलत अपलोड कर रहे हैं, उन्हें असल तरीके का पता ही नहीं है वीडियो किस तरीके से अपलोड करनी चाहिए, तो वीडियो रैंक करती है, व्यूज आते हैं, वीडियो वायरल होती है। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि वीडियो किस तरीके से अपलोड करनी चाहिए ताकि वीडियो रैंक करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको टेक्निकल कासिम यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कैसे आपने वीडियो अपलोड करनी है मोबाइल से, क्योंकि जब आप सही तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब को पता चलेगा यार कोई प्रोफेशनल बंदा है, इसकी वीडियो को रैंक करना चाहिए, और ऑडियंस को भी पता चलेगा, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लोग देखते हैं कि कैसे इसने SEO किया, कैसे थंबनेल लगाया, कैसे इसने टाइटल लिखा और कैसे इसने डिस्क्रिप्शन दी, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ मुकम्मल। तो बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, चलते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने मोबाइल से, अगर आपके मोबाइल में नोट पैड नहीं है तो गूगल से नोट पैड इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड करने से पहले डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये चीज़ें लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल तकरीबन शॉर्ट होना चाहिए, टाइटल दो ऐसे टाइटल हों जो सर्चिंग में आ जाएं बस। तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दूसरे चैनल के लिए, रेडी कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हमने यहाँ पे टाइटल देना है। तो सबसे पहले पहला टाइटल लिखते हैं, ये हमारा एक टाइटल हो गया, इसके आगे ये डंडा लगाकर दूसरा टाइटल लिखते हैं। दो 23, तो ये हमारा दूसरा टाइटल हो गया। अभी करना क्या है कि इससे नीचे आ जाना है, हमने यहाँ पे हमने ऐड करने हैं हैशटैग्स, ओ सॉरी, यहाँ पे एक लाइन देनी है ताकि हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोफेशनल लगे। यहाँ पे ये लाइन लगाने के बाद इसके नीचे आ जाना है, यहाँ पे कुछ 3-4 कीवर्ड्स हमने लिखने हैं हमारी वीडियो से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है योर, और उसके नीचे आ जाना है यहाँ पे जो ऊपर हमने टाइटल रखा है यही, यहाँ से कॉपी करके हमने 2 कीवर्ड्स इसके बना लेने हैं, ये बीच में से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक और हम यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर देते हैं, हाउ टू प्ले, ये हमारे हो गए 3 कीवर्ड्स हो गए। तो इसको हमने यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है यूट्यूब की एप्लीकेशन में, सॉरी ये थोड़ा वक्त ले रहा है, यूट्यूब की एप्लीकेशन में आ जाना है और प्लस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से जो वीडियो हमने अपलोड करनी है उस वीडियो को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको यहाँ से प्राइवेट कर दें, वीडियो को प्राइवेट करके यहाँ पे कोई टैग नहीं लगाना, कोई कुछ 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 भी नहीं करना, यहाँ पे जस्ट सादा वीडियो अपलोड कर देनी है। ये देखिए अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो हमने YT स्टूडियो में करनी है आके, ये हमारा YT स्टूडियो ओपन हो गया है, और यहाँ देखें कंटेंट में आने के बाद हमारी वीडियो भी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इस वीडियो पे आ जाना है सेटिंग, एडिट में आके यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आ जाना है,
डिस्क्रिप्शन जो हमने पेस्ट कॉपी की हुई थी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद यहाँ से टाइटल एक बार फिर कॉपी करके वापस जाना है और यहाँ पे हमने टाइटल ऐड कर लेना है। ये देखिए हमारा टाइटल यहाँ पे ऐड हो गया। फिर हमने पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज थंबनेल पे जाना है और यहाँ से हमने थंबनेल उठा लेना है जो हमने पहले बनाया हुआ था। थंबनेल लगाने के बाद हमने फिर डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद हमने यहाँ पे ऐड करने हैं टैग्स, वीडियो से रिलेटेड आपकी जिस कंटेंट पे वीडियो है उस रिलेटेड आप 3-4 टैग्स ऐड कर दें। सबसे पहले अपने चैनल का टैग ऐड करें, उसके बाद 3-4 हैशटैग ऐड कर दें पब जी। ये हमारे 2 हैशटैग ऐड हो गए हैं। अभी करना क्या है कि इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इधर से हमारी वीडियो अपलोड हो गई और इधर हमारा ये जो SEO वगैरह ये सारा सिस्टम डन हो गया। उसके बाद हम फिर से जाते हैं सेटिंग पे और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ से यहाँ पे टैग्स ऐड करने हैं। 3-4 टैग्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद लास्ट में ये कॉम्बर लगाना है, तो ये एक टैग हो गया हमारा। उसके बाद एक और टैग ऐड करते हैं यहाँ पे, गलत हो गया, एक मिनट जी। तो ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2 हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आके इसको पब्लिक करते हैं वीडियो को ऐसे। आप इस तरीके पे अमल करेंगे, स्टेप पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो ज़रूर रैंक करेगी। आप 2-3 ऐसा नहीं कि पहली वीडियो आप अपलोड करते साथ ही कहने लग जाए नहीं ट्रैक ने काम नहीं किया। 3-4 वीडियोस आप जब अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो आपकी ज़रूर रैंक करेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि मज़ीद फ्यूचर में आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।